जगत पते जग के पालनहार, आपके श्री चरणों में नमन है सौ सौ बार। पार ब्रह्म परमात्मा परम पिता तेरो नाम, स्वर्ग से पावन है प्रभु आपका वैकुंठ धाम। शंख चक्र गदा धारते और पदम तोरे हार, दया के आप निधान हो नाथों के हो ना। कल्प तरु के समान है आपकी कृपा ना, धन वैभव यश कीर्ति देते दीना ना। सच्चिदानंद आनंद कंद श्री विष्णु भगवान, बालक हम नादान है दूर करो अज्ञान। रूप चतुर भुज आपका पावन परम सुहाग, चरण शरण में आए जो अब से वो तर जा। लक्ष्मी रमणा आप हो श्री नारायण था, सब भक्तों के काटते पाप ताप संता। चिंता मणि बन के प्रभु सगरी चिंता मिटा, श्री नारायण बोले जो उसको शरण लगा। जब धरा पे पापों का बढ़ने लगा था भार, धरा के भार को हरने को ले लिए थे अवतार। दस अवतारों की कथा पावन परम महान, जिसने सुनी भव तर गया जाए वैकुंठ धाम। श्री विष्णु के चरणों का भक्तों ध्यान लगा, दस अवतारों की कथा तुमको रहा सुना। अवतारों की है कथा कहते वेद पुराण, भक्तों ध्यान लगाइए कर लीजिए गुणगान। पहले मत्स्य अवतार को नमन है सौ सौ बार, प्रलय से बचान धरती को धरे मत्स्य अवतार। मनु नाव में बैठ कर जो ही सागर आई, प्रलय मनु धरती को मत्स्य अवतार बचा। कच्छप कहो या कूर्म कहो दूजा है अवतार, अपनी पीठ पे धारा था तुमने शिला का भार। सागर मंथन हो रहा शिला को कौन उठा, कूर्म रूप अवतार में श्री विष्णु जिया।
परा कथा अवतार, हिरण्याक्ष से दैत्य का तुमने किया संहार, हिरण्याक्ष की कैद से धरती को छुड़वा, दांतों मध्यम धार के ले पाताल से आ, नरसिंह रूप तो आपका चौथा है अवतार, हिरण्यकश्यप दैत्य का तुमने किया संहार, अपने भक्त प्रहलाद की तुमने जान बचा, गोदी बैठ प्रहलाद ने नारायण गुण गा, अपने वामन लिया अवतार, बलि नामक दैत्य को भव से लगाया पार, दानी बलि से आपने भूमि तीन पग मान, दो पग में नापी सृष्टि तीजी रखूं कांटा, बलि ने चरणों में आपके दे दिया शीश नवा, उसके शीश पे आपने दिया तपग धरा, बलि ने हाथ उठाई के करी थी जय जयकार, बलि को अमर बना दिया महिमा अपरंपार, परशुराम तो आपका छठा प्रभु अवतार, ब्राह्मण होकर भी प्रभु फरसा हाथ रहे था, तीन बार धरती करी क्षत्रियों से भी, जय जयकार लगा रहे सभी दीन और ही, त्रेता युग में आपने धरा राम अवतार, पापी रावण का किया आपने ही संहार, मर्यादा पुरुषोत्तमा बन के राह दिखा, मर्यादा क्या होती है सृष्टि को दिया बता, में आपने धरा कृष्ण अवतार, पापी कंस कुमार के हरा धरती का भार, महाभारत के महानायक गीता ज्ञान पठार, भेद आत्मा के सभी सृष्टि को बतला, बुद्ध के अवतार में शांति संदेश, अहिंसा परम ये धर्म है आपका है आदेश, मुक्ति फल जो पाना है बुद्ध की शरण में जा, उद्धम शरणम गच्छामि सभी भक्त ये गां, श्री विष्णु भगवान।
करोगे तुम अवतार, पीले घोड़े आओगे होकर तुम असवार, कलयुग का मिटा दोगे पाप ताप संता, आपकी राह बुहारते कब आओगे आ। भार प्रभु इस कलयुग का अब तो सहा नहीं जा, तुम बिन है कल की प्रभु हमको कौन बचा। संभल नगरी आपका पावन परम स्थान, इसी जगह पर जन्मेंगे श्री कल की भगवान। अवतारों की कथा पावन परम सुना, नारायण हरि नाम की मन में अलख जगा। जैसे धन्ना जाट के शालिग्राम बन आ, हम भी शरण है आपकी प्रभुवर पार लगा। जैसे मोहिनी रूप में लीला परम दिखा, वैसे ही प्रभु भक्त को अपनी शरण लगा। चरण धूल से आपकी चंदन तिलक लगा, हाथ जोड़ विनती करी प्रभु जी रहना सहा। नारायण हरि हरि, जय जय नारायण।
श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि सत्य नारायण नारायण हरि हरि सत्य नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि बद्री नारायण नारायण हरि हरि बद्री नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि भजमन्नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी लीला प्रभु है प्यारी प्यारी हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि भजमन्नारायण नारायण हरि 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 ओम नमो हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि।
सत्य नारायण नारायण हरि हरि सत्य नारायण नारायण हरि हरि सत्य नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि बद्री नारायण नारायण हरि हरि बद्री नारायण नारायण हरि हरि नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि Oh.
वासुदेवाया।
कुछ वर्णन करूं दीजै ज्ञान बता नमो विष्णु भगवान करारी कष्ट नशावन अखिल बिहारी प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी त्रिभुवन फैल रही उजियारी सुंदर रूप मनोहर सूरत सरल स्वभाव मोहिनी मूरत तन पर पीतांबर अति सोहत बैजंती माला मन मोहत शंख चक्र कर गदा विराजे देखत दैत्य असुर दल बाजे सत्य धर्म मद लोभ न गाजे काम क्रोध मद लोभ न चाजे संत भक्त सज्जन मन रंजन दनुज असुर दुष्टन दल गंजन सुख उपजाए कष्ट सब भंजन दोष मिटाए करत जन सजन पाप काट भव सिंधु उतारण कष्ट नशा कर भक्त कुबारन करत अनेक रूप प्रभु धारण केवल आप भक्ति के कारण धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा
तब तुम रूप राम का धारा, भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संघारा, आप बराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया, धर्मतस्य तन सिंधु बनाया, चौदह रत्नन को निकलाया। अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया, देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया, कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरि तुरत उठाया, शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उनको ढूंढवाया, मोहित बन कर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया, असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी लड़ाई, हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से चल कल जाई, सुमिरन कीन तुम्हें शिव रानी, बतलाई सब विपत कहानी, तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरती भुलानी, देखत तीन दनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी, हो अस्पर्श धर्म क्षति मानी, हन असुर उर शिव शैतानी, तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे, गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे, हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिर जन हारे, देखहु मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे, चहत आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन, जानू नहीं योग्य जब पूजन, होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन, शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण, करहूँ आपका किस विधि पूजन, कुमत विलोक होत दुख भीषण, करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरण, कौन भांति में करहूँ समर्पण, सुर मुनि करत सदा सेवकाई,
हर्षित रहत परम गति पाई, दीन दुखिन पर सदा सहाय, निज जन जान लेव अपनाई, पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ, सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ, निगम सदाय विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे, भक्त हृदय में वास करे, पूर्ण कीजिए काज, शंख चक्र और पद्म गदा, हे विष्णु महाराज। स्वामी तुम ही भगवन अंतर्यामी, कर हरि के तीरा, पुकारे कष्ट हरे भव पार उतारे, लक्ष्मीपति तुम अखिल बिहारी, तुम हर युग में विपदा तारी, आप तो करने करने में
से सूर्य प्रकाशा। लीला रचाई सहायता दीने। हो हिरण्याक्ष था दैत्य अभिमानी, ब्रह्मा जी का वो वरदानी। फिर हो संघारे हो भक्त प्रहलाद हरि हरि ध्याए, हिरण्यकश्यप मुक्ति पाए।
पठाया। आठवें रूप में बन के कन्हैया नंद बाबा संग यशोदा मैया। को कृष्ण कन्हाए मान बढ़ाए। कल के रूप कले धरा का साफ ही होगा। चलाते नित्य ही हरि को शीश नवाते। सत्यनारायण की हम कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सत्य व्रत करने से सब इच्छा फल पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री सत्यनारायण की हम कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सत्य व्रत करने से सब इच्छा फल पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। करो सत्य हरि गुणगान, मिले मन वांछित वरदान, मिले मन वांछित वरदान, करो सत्य हरि श्री हरि सत्य नारायण व्रत कथा का वृतांत बताने जा रहा हूँ। जिस व्रत को करने से तथा सत्य नारायण व्रत कथा सुनने मात्र से
सभी पापों का नाश हो जाता है और भक्तजन मनवांछित फल पाते हैं। अब हम कथा की ओर बढ़ते हैं। एक बार सौनकादि ऋषि भ्रमण को निकले थे, तभी मार्ग में उनकी भेंट महर्षि सूत जी से हो जाती है। सभी वेद पुराणों के ज्ञाता होने के कारण उनके हर प्रश्न का उत्तर मिल जाता था। सूत जी को देख ऋषियों के मन में संसार के परोपकार को लेकर एक प्रश्न सूझा। जय श्री हरि। सौनकादि ऋषियों ने मिलकर पूछा एक उपाय, हे महर्षि कोई सुख समृद्धि की विधि हमें बताए। हे ऋषिवर मुझे कोई उपाय ऐसा बतलाना, सरल सुगम पर लोक में लक्ष्य हो जाए पाना। सूत जी फिर ऋषियों को एक कथा सुनाते हैं, मृत्यु लोक को देख के नारद दुखी हो जाते हैं। नारद जी ने नारायण से जाके प्रश्न किया, मृत्यु लोक पर कष्टों का प्रभु उपाय है क्या। नारद जी को नारायण एक बात बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सत्य व्रत करने से सब इच्छा फल पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। करो सत्य हरि गुणगान, मिले मन वांछित वरदान, मिले मन वांछित वरदान, करो सत्य हरि गुणगान। नारद जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री हरि बोले, हे नारद, अगर व्यक्ति सांसारिक जीवन यापन करते हुए सुख समृद्धि पाना चाहता है तो वह श्री सत्यनारायण व्रत कर अपना लोक तथा परलोक दोनों ही सुधार सकता है। तभी नारद जी हाथ जोड़कर नारायण से बोले, हे प्रभु, इस व्रत को करने की क्या विधि है और इसका क्या फल मिलता है, प्रभु मुझे विस्तार से बताने का कष्ट करें। तभी श्री हरि नारद की विनती सुनकर बोलते हैं, नारायण फिर नारद जी को लगे हैं बतलाने, श्रद्धा भाव से जो व्यक्ति हो व्रत को मन ठाने। स्नान आदि कर श्री हरि का जो भी करेगा ध्यान, रहे व्रत फिर निराहार ना करे है वो जलपान। गाय के गोबर से होवे पूजा स्थल पाई, पूजा करने के लिए रखे चौकी तो बिछाई। चौकी के चारों ओर तो केले के वृक्ष लगाए, चौकी पर ठाकुर जी को बिठा के खूब सजाए। सबसे पहले श्री गणेश को भक्त मनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सत्य व्रत करने से सब इच्छा फल पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। करो सत्य हरि गुणगान, मिले मन वांछित वरदान, मिले मन वांछित वरदान, करो सत्य हरि गुणगान। नारद जी को श्री सत्यनारायण व्रत की विधि बताते हुए श्री हरि बोले, हे नारद, प्रथम श्री गणेश का आवाहन लगाने के बाद श्री राम लखन सीता राधा कृष्णा शिव गौरा आदि देवी देवताओं की आरती करी पंचामृत चढ़ाना चाहिए।
तथा उसके बाद आए हुए पंडितों को दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा करना चाहिए। आइए इस कथा के माध्यम से समझते हैं। जय श्री हरि। पूजा पाठ के बाद व्रती को भोजन करना चाहिए, सायं काल श्री हरि भजनों में सबको रमना चाहिए। सद्मार्ग पर चलना इस व्रत का है मूल आधार, श्री सत्य नारायण स्वामी करते दया अपार। भक्त दुखों कष्टों से सदा ही रहते हैं फिर दूर, अनहोनी संकट सभी फिर ना करते मजबूर। सा परिवार मिलजुल कर फिर करे हरि का पाठ, मोह माया सब टल जाती है हो जाते हैं ठाट। सुख वरदानी नर कल्याणी बात बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सत्य व्रत करने से सब इच्छा फल पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। करो सत्य हरि गुणगान, मिले मन वांछित वरदान, मिले मन वांछित वरदान, करो सत्य हरि गुणगान। तभी सूत जी बोले, हे ऋषियों, यह व्रत पूजन किस किस ने किया वो सारा वृतांत हम बताते हैं। एक सुंदर काशीपुरी में एक निर्धन ब्राह्मण भूख प्यास से धरा पर नित्य भटकता। तभी ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री हरि ने एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप रखकर उसके सामने आ गए और उनके पूछने पर वह निर्धन ब्राह्मण अपनी दुख भरी कहानी सुनाता है। तभी श्री हरि उस ब्राह्मण से कहते हैं, श्री सत्य नारायण व्रत का किया करो पूजन, नहीं रहोगे भूख कभी ना रहोगे तुम निर्धन। इतना कह अदृश्य हुए फिर श्री हरि भगवान, निर्धन ब्राह्मण समझ सकाना ये कहाँ गया इंसान। कल से मैं व्रत करूं यह समझ में आई है, यही सोच कर उसने सारी रात बिताई है। अगले दिन भिक्षा में खूब अन्न धन को पाया है, फिर तो सत्यनारायण व्रत को उसने पाया है। हुई कृपा फिर श्री हरि की वो बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सत्य व्रत करने से सब इच्छा फल पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। करो सत्य हरि गुणगान, मिले मन वांछित वरदान, मिले मन वांछित वरदान, करो सत्य हरि गुणगान। ऋषि सूत जी समस्त ऋषियों को श्री सत्यनारायण की कथा सुनाते सुनाते हरि की महिमा में लीन हो गए। फिर एक और कथा सुनाने लगे कि एक उल्का मुख नाम का राजा था, जो भगवान श्री हरि का परम भक्त और बुद्धिमान था, तथा उसकी पत्नी प्रतिव्रता स्त्री थी जो उसका साथ निभाती थी। एक बार उन दोनों ने भद्रशिला नदी के तट पर गए और वहां सत्यनारायण की कथा करवाई। फिर क्या होता है आइए देखते हैं। राजा के पास में साधु नाम का एक बनिया आया,
हाथ जोड़ कर आदर से राजा को शीश झुकाया। बनिए ने फिर पूछ लिया है, आप कौन व्रत करते, किसकी कृपा से आप सदा सुख चैन में है रहते। उल्का मुख ने बनिए को फिर बात बताई है, सत्यनारायण व्रत की सारी विधि समझाई है। बोला बनिया हे राजन, ना मेरे है संतान, पूरी हुई जो मनोकामना करेंगे व्रत अनुष्ठान। इतना कह साधु फिर अपने घर को आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सत्य व्रत करने से सब इच्छा फल पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। करो सत्य हरि गुणगान, मिले मन वांछित वरदान, मिले मन वांछित वरदान, करो सत्य हरि गुणगान। इतना कह के साधु अपने घर को आ जाता है और सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। कुछ समय के बाद हरि की कृपा से उसको एक पुत्री प्राप्त होती है। तत्पश्चात उसकी पत्नी साधु को व्रत करने को कहती है। तभी साधु अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है कि इतनी जल्दी क्या है, पुत्री के विवाह के समय कथा करवा दूंगा। यह कहकर वह बात को टाल देता है। फिर क्या होता है आइए देखते हैं। जय श्री हरि। कन्या के योग्य वर ढूंढ के उसका विवाह किया, भूल गया फिर भी व्रत को ना उसने व्रत किया। व्यापार को करने अपने दामाद के संग में जाता है, सत्यनारायण व्रत का उसको ख्याल नाता है। बहुत कमाया धन दोनों ने पास में जमा किया, एक नदी के पास जा पहुँचे लेकर धनवा। चंद्र के तू राजा के राज्य में था विश्राम किया, एक चोर ने राजकोष से था धन चुरा लिया। चोर समझ उन दोनों को सैनिक ले ही आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सत्य व्रत करने से सब इच्छा फल पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। करो सत्य हरि गुणगान, मिले मन वांछित वरदान, करो सत्य हरि गुणगान। राजा के सैनिकों ने साधु और उसके दामाद को चोर समझकर गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि चोर चोरी का धन अपने साथ ना ले जा सके। उन्होंने सारा धन उनके पास ही रख दिया था। पास में धन पाकर सैनिक उन दोनों को कारावास में डाल देते हैं। आइए आगे क्या होता है कथा के माध्यम से समझाते हैं। जय श्री हरि। कलावती साधु की पत्नी सोचने लगती है, रम गए दोनों काम कहां वो डरने लगती है। बीत गए कई वर्ष न इनकी मिली है कोई खबर, अब तो हर पल हो रही चिंता लगने लगा है डर। श्री सत्यनारायण से फिर उसने अरज लगाई, करूंगा व्रत पूरा है भगवन आए पति जमाई। चंद्र केतु के सपने में हरि ने समझाया है, ये दोनों निर्दोष है प्राणी उन्हें समझाया है। चंद्र केतु उन दोनों को दरबार
मनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सत्य व्रत करने से सब इच्छा फल पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। करो सत्य हरि गुणगान, मिले मन वांछित वरदान, मिले मन वांछित वरदान, करो सत्य हरि गुणगान। राजा चंद्र केतु उन दोनों को दरबार में बुलाकर कहते हैं कि मुझे पता चल चुका है कि आपने चोरी नहीं की है। उसने सपने वाली सारी बात साधु और उसके दामाद को बतलाई और उन्हें उनका सारा धन देकर आदर पूर्वक विदा किया। उधर कलावती सत्यनारायण व्रत का अनुष्ठान बड़ी ही श्रद्धा भाव से पूरा करती है, जिससे प्रसन्न होकर श्री हरि उसे उसके पति और दामाद दोनों लौटा देते हैं। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। जिसने भी इस व्रत को श्रद्धा भाव से ध्याया है, उसने फिर मोह माया छोड़कर मोक्ष को पाया है। इस व्रत को करने से पूरी होती है आशाएं, सुख संपत्ति घर आता है, टल जाती बाधाएं। अति शीघ्र पापों से मुक्ति इससे है मिलती, इसके आगे मोह माया चल विद्या ना चलती। डीएस पाल ने सुमिर हरि को गाथा है गाई, मुनेंद्र प्रेम जी सुमिर शारदा अपनी कलम चलाई। डीएस प्रेम श्री हरि चरणों में शीस नवाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सत्य व्रत करने से सब इच्छा फल पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। करो सत्य हरि गुणगान, मिले मन वांछित वरदान, मिले मन वांछित वरदान, करो सत्य हरि बृहस्पति देवा, तन मन धन
संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरि। माता पिता तुम मेरे शरण गहो किसकी, स्वामी शरण गहो मैं किसकी, मैं
श्री